हाँ जी मेरे दोस्तों, की हाल चाल है? तो उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैं गोवा आया हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है आरएफसी के इवेंट के लिए। तो यहाँ पे मुझे सर मिले जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार की है, तो वो सर ही इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा कुछ भी कभी मैंने भी नहीं डाला, तो सर ने भी फर्स्ट टाइम इसको इन्वाइट किया और प्रॉपर सिस्टमेटिकली किया है। तो हेलो सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। पहले तो सबसे पहले वेलकम मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अपनी इंट्रो प्रॉपर दे दो और ये क्या बनाया है वो बता दो। मेरा नाम कुतुब काजी है, बेसिकली मैं इंदौर से हूँ। okay. और हम लोग बहुत टाइम से एक मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इन्वॉल्वमेंट है हमारा, कॉम्पोस्ट मशीन्स और बहुत सारी मशीन्स हम लोग बनाते रहते हैं। बट पर्सनली चूंकि मुझे ऑफ रोडिंग में बहुत शौक है और मैं लास्ट टाइम एज अ नेविगेटर मैंने पार्टिसिपेट किया था। okay. तो जब वहाँ देखा कि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में हम लोग खड़े रहते हैं और वहाँ एकदम इतना पानी रेगुलर गिरता रहता है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है और हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, तो मुझे ये फील हुआ कि एक ऐसा कॉम्पैक्ट सी एक कैंपर या ट्रेलर होना चाहिए जहाँ हम इसको कहीं पर भी लेके जा सकें। okay. और उसको हम खोलें तो आराम से उसमें हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, आराम से ट्रैवल कर सकें। इस हिसाब से एक चीज़ डेवलप की जो है कि हमारा एक मार्क्समैन 4x4 हमने एक ब्रांड रजिस्टर किया है और उसके ही नाम पर हम लोगों ने इसको बनाया है। तो बेसिकली ये हमारा एक ऑफ रोड कैंपिंग ट्रेलर है। कैंपिंग, हाँ, जिसमें आप एक इंडिपेंडेंट हमने पहले तो एक ट्रेलर बनाया जो कि बहुत ही केपेबल है, एक्सट्रीम 4x4 पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन हमने लगाया है और बहुत ही पूरा ट्यूबुलर लैडर फ्रेम चेसी है और उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको शेप भी जो है वो पीछे से थोड़ा सा जीप का शेप दिया है। और इसमें एक पॉपअप टेंट है जो बेसिकली खुल के एक पूरा एक प्रॉपर टेंट बन जाता है जिसमें एक बेड आ जाता है, जिसमें तीन लोग सो सकते हैं और साथ में पांच लोग एट अ टाइम बैठ सकते हैं। क्या बात है। और अकॉर्डिंग इसके साथ में हम लोगों ने एक एसी भी दिया है इसमें। भाई बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो हम लोग आपको दिखाते हैं साथ साथ में भी क्या कुछ है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलेगा भी क्या हो रहा है। आपको आइडिया मिल गया भाई भी क्या चीज सर ने बनाई है, तो चलो हम भी दिखाते हैं। और किसी की कोई डिमांड हो, किसी को ये बाय करना है, कुछ भी करना है, तो आप सर को कॉल करना, नंबर नीचे चल रहे हैं, इनकी वेबसाइट वगैरह भी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी हम कितने में बने हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट, आपको सारी लास्ट में बताएंगे। तो आओ करते हैं शुरू। ओके दोस्तों, सर मैं वुडमो वैबसाइट पर दसना चाहता हूँ, ऑटोमोबाइल की स्पेयर पार्ट की कंपनी है जिसे कि बहुत वही कैटालॉग है। तुम छोटी गड्डी तो लैके वही गड्डी तक का स्पेयर पार्ट बाय कर सकते हो अपने घर बैठे हैं। जस्ट थोड़ा उन्होंने एप्लीकेशन से जो वैबसाइट पर जाकर उन्होंने ऑप्शन खोल लेनी है, उसे जी गड्डी का पार्ट चाहते हो अवेलेबल, थोड़ा उसे देख लेना भी है कि मॉडल है, की सिस्टम है, थोड़ा कि चाहिए सारा उत्तर शो हो जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर कर सकते हो बड़े ईजी तरीके थोड़े घर या थोड़े गराज भी यह चीज़ आ सकती है। तो वे थोड़ा प्राइस कंपेरिजन भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि इन्होंने को काफ़ी कंपनियां छोटे छोटे वेंडर्स अवेलेबल ने, तो तुम उतो बाय कर सकते हो। जो थोड़ा पार्ट पसंद नहीं आता तो इन वापस भी कर सकते हो विदिन 10 डेज, तो वो थोड़ी प्राइस वगैरह जी पैसे थोड़े अकाउंट वापस भी आ जाएंगे। तो iOS एंड्रॉयड से सारे कितने यह अवेलेबल है, तुम उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके सर्विसिज लै सकते हो, तो बहुत ही वधिया उम्मीद है तुम यहाँ फायदा लोगे। सर सबसे पहले भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये इन्होंने प्रॉपर तैयार किया, इसकी बहुत ही अच्छी शेप बनाई है। तो इसके बम्पर वगैरह भी देख सकते हैं, इसको जीप के लगाए, तो मतलब ये नहीं लग रहा है कि वैसे किसी ने तैयार किया, प्रॉपर इसको प्रोफेशनली इन लोगों ने रेडी किया है। सर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है प्रॉपर? ये 6 फीट बेसिकली जो ये बेड साइज है, दिस इज 6 फीट, 6 फीट बाय 5 फीट। तो सर हुक से लेके हुक से लेके ये अप्रोक्सीमेटली 7 फीट हो जाता है टायर तक। हाँ टायर तक, ठीक है। तो सर इसमें आपने हुक वगैरह भी कुछ स्पेशल यूज? ये आपने हमने बॉल हुक लगाए हैं। ओके। जो कि बहुत ही हैवी बॉल हुक्स हैं और साथ में हम लोगों ने इसको पीछे रियर में इंडिकेटर्स और टेल लाइट्स और वो सब के लिए हमने कनेक्टर्स भी लगाए हैं। okay. और हैवी ड्यूटी कनेक्टर्स हैं जो बेसिकली हम लोग ट्रेलर्स में यूज करते हैं okay, हाँ जी। ठीक है, साथ में इसके हम लोगों ने होंडा का साइलेंट 3 kW का जनरेटर भी लगाया है। भाई आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छा होंडा का साथ में जनरेटर रखा है। हाँ क्या बात है भाई, ये देख सकते हैं ना जनरेटर होता है, तो ये आप लोग कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं और कहीं भी इसको चला सकते हैं क्योंकि हमने एसी भी लगाया है। okay. तो एसी को पावर हम जनरेटर से ही देते हैं। ओके okay. तो ये साथ में जनरेटर को भी पावर देता है, अंदर हमने चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं okay. लाइटिंग्स के लिए, या आपको अगर कुकिंग के लिए आपको इंडक्शन कुक स्टोव चलाना, इंडक्शन कुकर चलाना है, आपको कैटल्स चलानी है,
या कोई भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं तो ये सफिशिएंट है। ये कितने वाट का? 3 किलोवाट का ये 3 KVA का जनरेटर है जो सफिशिएंट है आपका एसी और सारे आपके इक्विपमेंट्स को चलाने तो के सर लिए। इसका ऑलमोस्ट अगर 1 घंटा चलेगा ये तो इसकी तेल की कितनी है? अप्रोक्सीमेटली आप समझे ये करीबन आधा लीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली लेता है पेट्रोल। 1 घंटे का? हाफ लीटर के आसपास। ठीक है ठीक है। तो भाई आपने ये देखा ये भी बहुत ही अच्छी जगह पे रखा हुआ है। तो बाकी आप इसको साइड से देख सकते हैं, पीछे से भी मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं कि इसकी प्रॉपर ये गाड़ी के जितना गाड़ी आता है उतनी ही जगह पे ये आता है। इसके टायर्स के निशानों से आप देख सकते हैं मतलब कोई इसकी अलग नहीं रहता है। तो पीछे भी सर ने इसके पीछे भी हुक वगैरह दी है, बम्पर्स लगे हैं, प्रॉपर सारा कुछ इसकी शेप। इसमें हम लोगों ने पानी के स्टोरेज के लिए भी, जहाँ आप देख सकते हैं ये फ्यूल का जहाँ पर है ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक वाटर टैंक अंदर इसमें लगाया है तो जिसमें आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 लीटर के आसपास आपका पानी स्टोर हो जाता है अंदर। और आपको जब एक्सेस करना है तो आप यहाँ से एक हमने इसमें टैप दिया है ये टैप से आप इसको एक्सेस कर पाइप लगा के ले सकते हैं। ये आप लगा के हाथ धोना है या कुछ भी लेना है तो आप इसमें हाथ धोने के लिए आप ये काम में ले सकते हैं। क्या बात है। तो ये आपने सेपरेट स्टैंड्स भी लगाए हैं? ये स्टेबलाइजर्स हैं। जब हम लोग स्टैंड को लगाएंगे, जब इसको हम लोग टेंट सेटअप करेंगे तो स्टेबलाइजर ताकि सस्पेंशन स्टेफ हो जाए और ये हम लोग जब कर रहे हैं तो ये स्टेबल रहे, पूरा स्टेबल रहे। ठीक है। तो भाई इसकी शेप वगैरह भी राउंड दी है, इसमें लाइट्स वगैरह लगी है। सर इसमें टायर साइज फिर कौन सा दिया? ये 31 इंचेस है, 31, 10.5 अभी हमने लगाया है जो टायर जी। ये बेसिकली अभी मेरी गाड़ी के हिसाब से मैंने मैच करके लगाया मेरी थार के हिसाब से। अभी तो मैं स्कॉर्पियो लेके आया हूँ, अगर थोड़ा लंबा आना था तो स्कॉर्पियो लेके आया, पर थार के हिसाब से मैंने मैच करके लगाया। तो ये डायनामिक है, आपकी गाड़ी के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जो आपकी गाड़ी का टायर साइज होगा, जो उसमें अलॉयज लगे होंगे टायर लगे होंगे, हम सेम मैचिंग टायर अलॉय लगा सकते हैं। बॉडी कलर जो है वो भी आपकी गाड़ी के हिसाब से हम लोग मैचिंग दे सकते हैं, जो आप कलर आप कहेंगे वो कलर कोड के हिसाब से दिया जाएगा। टॉप्स के अंदर भी हमें बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, जैसा आप चाहें। इसमें ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है, बेज है, हो जाएगा नेवी ब्लू है, ग्रे है। तो जैसा टॉप का भी आप कलर चाहें। ये बेसिकली हम लोग जो फैब्रिक भी यूज किया है ये वाटरप्रूफ कैनवास है जो कि मेरे पार्टनर हैं, हम लोग साथ में मिलके मेरे फ्रेंड पार्टनर जो बेसिकली आपने नाम भी सुना होगा आर्मोरो करते हैं, तो आर्मोरो और सूर्यांश उनके ओनर है, वो हम दोनों मिलके हमने ये प्रोजेक्ट हमने करा है। तो बेसिकली हम दोनों ने मिलके इस चीज को करी है और ये जो फैब्रिक है ये वही बनाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा वेदर प्रूफ फैब्रिक है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं और आप देखेंगे इसकी क्वालिटी भी कितनी अच्छी है। वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छी है। हाँ जी, बहुत हैवी कैनवास है, ऐसा कैनवास और आपको पैन इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। तो सर ये क्या साथ में? हमने एक जेरिकेन भी लगाया, एक जेरिकेन माउंट्स है। बहुत सारी चीजें आप एक्स्ट्रा और भी लगा सकते हैं। ठीक है। जेरिकेन माउंट्स हो गए, आपको है ना साइकिल माउंट्स हो गए, अगर आप कायाकिंग के शौकीन है तो आप कायाक्स भी ऊपर प्लेस कर सकते हैं। हम लोग अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से माउंटिंग हम लोग दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो भाई अगर आप बाकी बात करें तो ये हुक वगैरह देख ली, तो सर इसमें एक चीज पहले मेरे को ये भी क्लियर कर दो कि इसके लिए 4x4 गाड़ी चाहिए कि 2 व्हील पे भी चलेगी? सर 2 व्हील पे भी चल जाएगी, अगर आपको रोड पे ही चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 व्हील गाड़ी पे भी आप इजिली लेके जा सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एक्सट्रीम ऑफ रोड पे जाना है तो 4x4 रहेगी। अगर हिल्स वगैरह पे जाना नॉर्मली देखिए नॉर्मल हिल्स जहाँ रोड है तो आपकी 2 व्हील ड्राइव गाड़ी चले जाएगी, लेकिन क्योंकि वेट का बहुत कम है तो आपको मतलब दिक्कत आएगी नहीं। और आपको जैसे एक्सट्रीम ऑफ रोड भी करना है तो ये इतना केपेबल है कि आप जहां आपकी 4x4 चली जाएगी वहां ये भी चला जाएगा। तो आप इसकी सस्पेंशन की बात कर रहे थे, ये सस्पेंशन कौन सी लगाई? हमने इसमें इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाया है, देखिए आपको दिखेगा, मैं आपको इसको दबा के बताता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है और ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जगह बहुत स्टेबल होता है। हाँ, वो तो आप मैंने देख सकते हैं, आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना है कि आपकी जो नियरली जो भी प्रोडक्शन स्पेक जितनी 4x4 जाती है उनमें सब में इससे कम ही रहता है, इससे सबसे ज्यादा हमने ग्राउंड क्लियरेंस दिया। तो अगर आपकी गाड़ी निकल गई तो ये कहीं भी से भी निकल जाएगा। वो तो मैंने भी देखा जब हम आ रहे थे रस्ते में, तो ये प्रॉपर गाड़ी भी जैसे फुल स्पीड में थी तो कोई इशू नहीं था, ऐसे हमने कुछ भी झटका भी नहीं दिया। हम ऐसे किसी को कहेंगे नहीं कि आप इतनी स्पीड में चलाएं, बट फॉर टेस्टिंग हमने पूरा एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर हमने इसको टेस्ट किया है। 140 की स्पीड पे हमने टेस्ट किया हुआ है इसको। 140 पे भी स्टेबल रहता है। क्या बात है। हम सजेस्ट नहीं करते किसी को आप इतनी स्पीड पे चलाएं, पर जस्ट टेस्टिंग जो भी हमने टेस्टिंग के लिए किया है
और आप जो भी वहाँ की जो स्पीड लिमिट्स हैं आप उसको फॉलो करते हुए चलाएं तो आपको कहीं भी किसी भी स्पीड में इशू नहीं आएगा। वो तो मैंने भी फील किया वो चीज़। चलो अभी इसको खोल के दिखाते हैं अभी है क्या एक्चुअल में। श्योर श्योर बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सर ने ऊपर कपड़ा था उतार दिया। तो ये सर आपने फिर इसको किस चीज से बनाया ये बेड ऊपर? ये बेसिकली ये पूरा एल्यूमिनियम का है, अंदर का इसका जो फ्रेम भी आएगा वो भी पूरा एल्यूमिनियम का आएगा ताकि लाइट वेट रहे और आप इसको इजीली खोल सकें। ठीक है। और ये इसके स्टेबलाइजर्स हैं जो कि यहाँ पर स्टैंड है जो उसको सपोर्ट करेंगे और आप इसमें एडजस्टेबल रहता है तो आप हाइट भी जैसा जहाँ भी जैसा टेरेन हो ऊंचा नीचा हो तो आप इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया तो वो जो अभी प्रॉपर इसका स्टैंड वगैरह लग गया। तो सर अभी इसमें ये क्या और क्या क्या है? अभी स्टेबलाइज ये बेड है बेसिकली इसका। अभी हम लोग इसको खोलेंगे पूरा टेंट को। और ये टेंट है इसके? हाँ जी ये इसका टेंट है। ये भी पूरा सेटअप होगा और फिर अभी आपको दिखेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर अब रेडी हो चुका है। तो सर ये फाइनली आपकी ये शेप आती है? जी जी बिल्कुल, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये ऐसा हो जाता है। तो सर अब मेरे को ये बताओ कि इसमें ये लेंथ इसकी ऐसे कितनी हो जाती है प्रॉपर? अगर ये पूरा खुलने के बाद में ये 5+5 ये 10 feet by 6 feet। 10 feet by 6 feet। हाँ जी। और लाइक एक प्रॉपर जो बेडरूम होता है पूरा जो टेंट साइज है वो 10 feet by 6 feet है। ओके। अब 10 feet by 6 feet में आपका 6x5 का आपका एक बेड हो गया। ठीक है। और 6x5 जो है वो आपका सिटिंग एरिया हो गया। ओके। बेसिकली उसमें टोटल 5 लोग उधर बैठ सकते हैं, 3 लोग एक सोफा है छोटा सा। ठीक है। और 2 लोगों की सिटिंग एक इधर और एक इधर है, बीच में आप एक पोर्टेबल टेबल रख के आप कर सकते हैं। हम लोग अंदर से भी दिखाएंगे बट लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं इसमें सर ने काफी फैसिलिटीज दी हुई है कि जैसे अगर आपने एसी वगैरह नहीं यूज करना है तो इसको डबल सर ने किया हुआ है। अंदर से आप खोल सकते हैं तो इसमें फ्रेश एयर भी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अगर आपने एसी वगैरह यूज करना है तो इसको अंदर से कर सकते हैं। प्रॉपर इसके स्टैंड वगैरह बने हुए हैं तो ये कहीं भी नहीं जाएगा अंदर, चाहे मतलब लाइक आप बागो या कुछ भी करो। इस वेट तो ये कितना वेट तक इसमें आप लोग डाल हम लोग डाल सकते हैं? वेट तो सर आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि इसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्स पे बहुत बहुत हैवी बना हुआ है। आप कितने 10 लोग भी बैठ जाओगे अंदर तो कुछ नहीं होना है। तो भाई ये इनका ना इस नाम से है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये कंपनी इस नाम से है सारा का सारा। तो ये रजिस्टर्ड भी है सारा कुछ, वो भी आपको डिटेल्स दूंगा। तो भाई आप प्रॉपर इसकी देख सकते हैं सारी की सारी शेप इस तरफ से इस तरह का लगता है। तो आप इसको कहीं भी लगा के आप लोग सो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो भाई इसकी एंट्रेंस जो है यहाँ से रखी है सर ने, तो ये फोल्ड हो जाता है। इसका ये डोर है तो इसमें मतलब प्रॉपर सर ने इसको आप लोग जैसे फोल्ड करके ऊपर हैंग कर सकते हो तो ये इसका एंट्रेंस डोर बन जाता है। भाई आप लोगों को दिखाते हैं कि जनरेटर स्टार्ट करने का भी ज़्यादा कोई पंगा नहीं होता है, जैसे उसकी चाबी है एक और ये स्टार्ट हो गया, बस इतना ही काम है। सेल्फ चार्ज रहता है? सेल्फ चार्ज। पेट्रोल है डीजल है? पेट्रोल है सर। पेट्रोल? अच्छा पेट्रोल है। तो बहुत इसकी तो साउंड भी नहीं है, साइलेंट, एकदम साइलेंट। बेसिकली हमने साइलेंट जनरेटर यूज ही इसीलिए किया है ताकि आप जब अंदर सो रहे हैं तो आपको कोई भी वाइब्रेशन कोई भी नॉइस आपको अंदर तो वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और हमने इसमें डैम्पनर भी लगाया अंदर। अच्छा। नीचे इसमें रबर के डैम्पनर भी है तो इसका वाइब्रेशन थोड़ा बहुत भी अगर कुछ है तो वो इधर ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब मेरे को साउंड भी नहीं इसका तो ट्रांसफर, तो वाइब्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं भाई भी बिल्कुल ही नहीं, कोई वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यही हमने हमारा एसी भी हम लोग लगाया है इसके पास ही लगाया। हाँ, जी हाँ, इसकी हीट वगैरह यही चलाएगी। ठीक है। हाँ सर एक बात और बताओ कि इसकी सेफ्टी क्या है, कल को लाइक इसको कोई उठा के तो ले जाएगा? नहीं ले जा सकता है। इसमें बेसिकली इसके जो माउंट है नीचे वो पूरा ये चैसी से बोल्ट ऑन है। ओके। आप देख सकते हैं नीचे। अच्छा ये आप कर ले या नहीं लेगा? नहीं लेगा। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। तो भाई अब हम लोग दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है सर, खोलो फिर इसको। अब तो भाई इसका सेम सिंपली डोर वैसे ही ओपन होता है जैसे बाकियों का होता है जीप्स का, तो प्रॉपर ये जीप वाली फील ही आएगी आपको थार में बैठ रहे हैं। तो भाई इसके अंदर चले जाएं तो आपको अंदर से देख सकते हैं, पहले तो इसमें सीटिंग है, मतलब 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 2 वहाँ बैठ सकते हैं, 3 भी 4 भी बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो प्रॉपर इसके अंदर एसी वगैरह लगा है सर। ये कितने टन का लगाया? 0.7 टन का एसी लगाया है। 0.7 टन का। तो भाई इसके साथ रिमोट वगैरह पड़े, स्विचेस भी है, चार्जिंग के पॉइंट वगैरह भी दिए हुए हैं, मतलब आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए आजकल जरूरत होता है वो भी साथ में है। और अंदर से आप देख सकते हैं प्रॉपर ये बेड है, मतलब जो हम लोगों ने आपको पहले दिखाया था, तो इसकी प्रॉपर आप लोग वीडियो देख सकते हैं सारे की सारी। सर इसकी फिर अंदर से ये वाली हाइट कितनी है? ये 6 अप्रोक्सीमेटली 5-10 के आसपास हो जाती है। मैं 5 अप्रोक्सीमेटली मैं 6 हूँ, मैं आपको खड़ा होकर बताता हूँ। ठीक है, क्या बात है, मतलब पूरी पूरी है भैया। आप देख सकते हैं कि आप प्रॉपर इसके अंदर खड़े हो सकते हैं,
कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती थी खड़े नहीं हुआ जाता जी, पर इसके अंदर आप आराम से आप खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीन लोग आप बोल रहे हैं सो सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ तीन लोग बैठ सो सकते हैं। और आप ये यहाँ आपका एसी भी आपके, तो आप कंफर्टेबली देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंफर्टेबल रहेगा, आप आराम से। एक हमारी पोर्टेबल टेबल है वो मैं भी आपको लगा के बताऊंगा, तो आप लगा सकते हैं, तो आराम से पांच लोग यहाँ बैठ के और आपको कुछ खाना हो तो बेसिकली आपका ये पर्सनल कह सकते हैं लिविंग एरिया हो गया। हाँ जी, लिविंग एरिया हो गया, जो बनाना चाहो बना लो। और आप इनके साथ अगर आगे चाहें कि इसको भी आपको लगाना चाहो, बच्चों के लिए भी आप एक छोटा सा बेड यहाँ पर गद्दा लगा के आपको वैसे भी सो सकते हैं। इसमें आप सामान वगैरह वैसे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते, कुछ भी रख सकते, क्योंकि मेरे को लगा कि काफी जगह भी यहाँ पे खाली है, तो अगर किसी के पास कुछ और भी हो तो यहाँ पे एक बेड भी हो छोटे वाला नीचे, वो बच्चों के लिए बन सकता है। तो भाई आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये खुल जाते हैं ना सर, इसके सब खुल जाते हैं, ये पूरे पर्दे आप खोल के इसको, अगर आपको एसी नहीं चलाना है तो आप पूरा खोल के इसको आप रोल कर वैसे रख, मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाटर प्रूफ है वैसे सारा का सारा? हाँ जी, पूरा वाटर प्रूफ है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, पूरा वाटर प्रूफ कैनवास है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता। और आप देखेंगे हमने ऊपर कहीं पर भी जॉइंट भी नहीं लिया, जॉइंट छत में आप देखेंगे कहीं पर भी एक जॉइंट भी नहीं है, जॉइंट भी। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये टेबल सर ने एक रख दिया जो कि बहुत ही अच्छा है, तो इसमें आप लोग कुछ भी रख के खा पी सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। तो दोस्तों अब आपको एक और चीज दिखाते हैं कि इसके जैसे ये बने हुए हैं, आपको विंडोज लगेंगी, ये विंडोज ही हैं इसकी, ये सारी की सारी खुल जाती हैं, तो आप अंदर से इसका ये व्यू ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। बट लेकिन ये जाली भी खुल जाती है, इसकी भी जिप लगी हुई है, तो ये सारी एक दो और तीन और चार और पांच इसमें विंडोज है, तो आप इसको प्रॉपरली ओपन करके और इसमें बैठ सकते हैं। जब वो वहां से लेट के आपको जो व्यू आएगा ना, तो उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही अलग होगा। ये बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि मैंने भी लाइफ में पहली बार देखी है ऐसी चीज़, लेकिन अदरवाइज कईयों में तो खड़े होने की प्रॉब्लम होती थी, इसमें तो वो भी नहीं है। तो आप लोग जब वहां पे लेट के यहां का व्यू देखोगे बीच का, तो क्या मजा आएगा बॉस। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सर ने एक चीज़ मेरे को और बताई है, सर क्या है ये? बेसिकली अभी जैसे अगर आपको बाहर बैठना है, तो हम लोगों ने इसमें साइड में आप देख सकते हैं यहाँ जिपर लगा हुआ है, हम लोगों ने इसमें ऑनिंग भी लगाई है। आप अच्छा? ये देखिए, ये ऑनिंग है, ओके, ये आपकी ऑनिंग है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये आयल आई दिया हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे पाइप लग जाएगी, हाँ, यहाँ आपका जो भी पोल है पोल लग जाएगा, ये वहाँ लग जाएगा, और ये बेसिकली ऐसे बोला आप नीचे टेंट लगा के इसके टेंट भी बन जाएगा इसका। हाँ जी, ये ऐसा आपका पूरा सेटअप हो जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ऊपर कुर्सियां डाल के आप बैठ सकते, तो आप आराम से कुर्सी लगा के बाहर बैठ सकते हैं। और ये बेसिकली एक साइड नहीं, दोनों तरफ है, ये तो चलता हुआ घर बना दिया हमने प्रॉपर का प्रॉपर, ये बेसिकली दोनों तरफ है, तो आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। और फिर क्या है, आपको जब एक्सेस करना हो, ये आपका ऑनिंग लगा हुआ है, ओके, आप यहाँ बैठे हो और आपको जैसे अंदर से कोई चीज एक्सेस करना है, तो आपको उधर से जाने की जरूरत नहीं, आप ये जिपर खोल के इसको रोल कर दो, यहीं से आपको, आप कुछ खाना खा रहे हो, आप ड्रिंक्स ले रहे हो, तो आप यहीं के यहीं आपने लगा दिया, यहीं टेबल, लगा दिया। टेबल भी यूज हो जाएगा, ऐसे टेबल भी यूज हो गई, और आपको जैसे कुकिंग करना है तो आप यहीं खड़े होके आप इसको रोल कर दो, यहाँ आपका इंडक्शन कुकर आप यहाँ रख दो और आप यहीं खड़े खड़े आप कुकिंग भी कर सकते हो, कुकिंग करके आप यहीं के आप सर्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा हुआ चलता हुआ घर एक, ठीक है, मैं तो उसको यही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने सारी की सारी फैसिलिटीज दे दी, तो क्योंकि ये प्रॉपर सारा कुछ है जो कि आजकल की डिमांड भी है, तो कुछ लोगों को ये चीजें चाहिए भी, इंडिया में वैसे बहुत कम है, तो आपने बनाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा रहा हूँ, किसी की डिमांड होगी तो आपसे कुछ कंडीशन है मेरे को भी क्लियर करो, जैसे ये लीगल है, ये लीगल है सर, रोड लीगल है, बकायदा हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन आपको करवा के देंगे, ओके, ऑल इंडिया चलेगा, ऑल इंडिया आप चला कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होती है या जैसे इसकी केले की होती है? इसका सर आपका जो व्हीकल का नंबर है वो उस पे मेंशन होता है, व्हीकल के नंबर के साथ चलेगा और किसी के साथ? हाँ जी हाँ जी, लीगली तो नहीं, लीगली नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी चीज भाई आप लोगों की कंफ्यूजन होगी, तो हमने सबसे पहले क्लियर किया है। तो दूसरी बात है कि सर इसको अगर किसी को बाय करना है, हाँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपको इसके क्या कितने में आप इसको सेल आउट कर रहे हैं? तो सर इसको अगर किसी ने करना है तो आपको ऑर्डर वगैरह देना, तो कैसे दे सकते हैं? हमारी वेबसाइट है जो आपको दे रखे हैं, उसमें फोन नंबर वेबसाइट सब हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और हम लोग पूरा आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड। तो सर इसका एक चीज ये भी क्लियर करो कि अगर आपको कोई कॉल करता है उसी वक्त आप उसको दे देते हैं या टाइम लेते हैं? नहीं, ये मेड टू ऑर्डर है, क्योंकि बेसिकली क्या हर आदमी की डिमांड अलग होती है ना, किसी को कौन सा कलर चाहिए, किसी की गाड़ी का कलर अलग है, किसी का टॉप कलर है।
अप्रोक्सीमेटली एक ट्रेलर बनाने में एक महीना के आप और बाकी किसी को भी कुछ भी चाहिए तो आप सर को कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चीज मुझे लगी है, तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे थ्रू लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपने हमें हमारे प्रोडक्ट को आपने इतना टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने आरएफसी में लगा हुआ देखा वहाँ, तो मैंने बोला इसका वीडियो तो मैं जरूर अपने लोगों को दूंगा, तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी भाई किसी की इंक्वायरी है वो आप कॉल कर लेना। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को फॉलो कर लेना ऐसे कंटेंट के लिए, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है। तो मिलते हैं आप नई वीडियो नया दिन लेके, बाय बाय।